रिव्यू करना है कि हमने उनमें क्या क्या चीज़ें सीखी सबसे पहले हमने एंगल सीखे और एंगल्स को बाईसेक करना सीखा और हमने ये देखा कि किस एंगल को बाई करने से हमारे पास कौन से एंगल्स जनरेट होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं थर्टी को बाई करती हूँ तो मेरे पास फिफ्टीन एंगल जनरेट होता है अगर मैं सिक्सटी का बाइसेक करती हूँ तो मेरे पास थर्टी एंगल आता है अगर मैं नाइन्टी का बाई करती हूँ तो मेरे पास फोर्टी फाइव आता है इसी तरह अगर कर तो मैं थर्टी और वन ट्वेंटी के दरमियान बाई करती हूँ तो मेरे पास नाइन्टी डिग्री एंगल बनता है देन हमने देखा कि परपेंडिकुलर क्या चीज है परपेंडिकुलर बेसिकली एक ऐसी लाइन है एक ऐसी वर्टिकल लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है देन हमने परपेंडिकुलर बायसेट करना सीखा कि परपेंडिकुलर बायसेट का मतलब होता है कि एक लाइन को अगर हम टू इक्वल पार्ट्स में परपेंडिकुलर लाइन के थ्रू डिवाइड कर दें तो उसको क्या कहते हैं परपेंडिकुलरली बायसेट करना आज की रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहले हम एम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में दे साइड

सो सिक्सटी एंगल को बाइसेकट करने से आता है दैट इज ऑप्शन ए द लास्ट वन इज वी कैन कंस्ट्रक्ट द फिफ्टीन डिग्री एंगल बाय बायसेंग ऑफ एन एंगल आप फिफ्टीन डिग्री एंगल आप किस तरह बनाते हैं फिफ्टीन डिग्री एंगल बेसिकली आप थर्टी को हाफ करके बनाते हैं सो थर्टी डिग्री पे आप टिक कर देंगे अगर हम क्वेश्चन नंबर टू पर आए तो उन्होंने आपको डिफरेंट क्वेश्चन दिए हैं डिफरेंट लाइन्स दी हैं uh, है, उन्होंने क्या इसको पेंडिकुलरली बायसेक करके दिखाएं सो स्टूडेंट्स दैट आर वेरी इजी क्वेश्चन ये बिल्कुल आप लास्ट वीडियो में सीख के भी आए हैं और आपने लास्ट एक्सरसाइज में भी अटैम्प्टे हैं अगर हम क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें तो उन्होंने क्या कंपस के थ्रू एंगल्स कंस्ट्रक्ट करके दिखाएं फॉर एग्जाम्पल सिक्सटी डिग्री के एंगल कंस्ट्रक्ट करने आपने आपने वन ट्वेंटी डिग्री का थर्टी डिग्री का इस तरह के एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं